तो गाइस आज का मैच भैया 7:30 बजे का भैया महा मुकाबला है आरसीबी वर्सेस जीटी मतलब रॉयल चैलेंजर्स के रॉयल टीम्स वर्सेस यहां पर जो है गुजरात टाइटंस का मैच। गुजरात टाइटंस ऑलरेडी कर गई है क्वालिफाई, उनके पास लग गया है क्वालिफिकेशन का मार्क, मगर आरसीबी ना थोड़ा दंद में फंस गए हैं यहाँ पर मुंबई के ऊपर। देखना पड़ेगा वो अगर जीती आरसीबी का नेट रन रेट अगर यहाँ पर जीती अगर हारती है तो मुंबई को वहां पर हारना पड़ेगा, बहुत गणित है। तो हम वहां पर नहीं जाके हम आप लोगों पर परोसेंगे फैंटेसी टीम। कल वाला हमारा जो मैच था बहुत ही प्रॉफिट हमने कमाया भैया, वो सीएसके वर्सेस डीसी का जाके देख लीजिए भैया, हमने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान किया, ये देखिए भैया पॉइंट्स। और भैया देखिए वहां पर मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स में गया, वहां पर भैया जसन रॉय को वाइस कप्तान किया, निकोलस पूरन को भी रखा भैया, वहां पर भी प्रॉफिट कमाया। आज भी कमाएंगे भैया थोड़ा बहुत, यूनिक प्लेयर्स देखे भी कमाएंगे आप लोग देते हैं। तो गाइस आज परोसेंगे भैया आरसीबी वर्सेस जीटी के की प्लेयर्स की बैट टेल्स पिच रिपोर्ट स्टेडियम स्टैट्स सिचुएटेड फॉर मतलब कौन से टाइप को सिचुएट करता है ड्रीम टीम फैंटेसी टीम और सीबीसी के ऑप्शंस आप लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करना है, फटाक से लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए से क्रिकेट के लिए अपडेट्स और भैया ऐसे फैंटेसी टीम्स पाने के लिए नीचे के चैनल को सब्सक्राइब लिंक को प्रेस कर। पहले पड़ाव में हम आ जाते हैं भैया यहां पर जो है की प्लेयर्स में, की प्लेयर्स में आए तो भैया बढ़िया तरीके से समझिएगा। पहले मैंने रखा है विराट कोहली को भैया, वहां पर सेंचुरी मार देता, क्या गजब का इनिंग्स खेला था वो। वैसे भी भैया एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला है, मतलब इनका होम ग्राउंड है, मतलब विराट कोहली ना कैप्टन वाइस कैप्टन के बढ़िया ऑप्शन होंगे। और मैं इनको बैटिंग में जा रहा हूँ क्योंकि भाई बैटिंग करते हैं, सिर्फ बैटिंग के ही लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो भैया ऑरेंज कैप होल्डर है, ऐसे नहीं है, जरूर इनमें गुण मौजूद है, मौजूद है भैया। ये भी सीबीसी के ऑप्शन में बहुत बढ़िया दावेदार रखते हैं, ये भी बैट्समैन के तौर में मैं लूंगा इनको। तीसरे नंबर पे आए तो भैया की प्लेयर में हार्दिक पांड्या बढ़िया चल सकते हैं, यहाँ पर जो है बैटिंग पिच है और ये भैया पेस से बॉल भी डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सीबीसी के ऑप्शन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हो सकते हैं। बैटिंग में तीन नंबर पोजिशन में आते हैं भैया, ये पिक ना आप लोगों को बहुत यहाँ पर प्रॉफिट कमा दे सकता है। अभी आते हुए मोहम्मद शमी में आया तो भैया ये आर या पार का बॉलर रहेगा क्योंकि भैया विराट कोहली को अगर आउट कर दिया तो भैया इन्होंने आज भैया बहुत सारे विकेट झटकना है। अगर विराट को आउट नहीं कर पाए तो ये ओपनिंग साझेदारी ना बहुत चलेगा, ये भैया नोट कर लीजिए। तो मोहम्मद शमी को विकेट नहीं मिलेगा मुझे लगता है, अगर भैया इनमें से एक को अगर आउट कर दिया तो भैया विकेट गिरते रहेंगे मुझे लगता है। पांचवें नंबर पे आए तो भैया मोहम्मद सिराज की बात करें, ये अभी भैया पेस से बॉलिंग डालते हैं और फर्स्ट के ओवर डालते हैं तो भैया रिद्धिमान को विकेट चटका सकते हैं कहीं ना कहीं। सुमन गिल का भी चटका सकते हैं, मतलब ओपनर जो बल्लेबाज है, मगर यहाँ पर बैटर्स को मदद है और पेसर्स को भी मदद है, तो भैया सिराज को अब रखेंगे ही रखेंगे। अभी आ जाते हैं भैया छठे नंबर पे सुमन गिल में आए तो भैया बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने भैया इस आईपीएल सीजन में परफॉर्मेंस दिया, तो इनके भी भैया मैं बैटिंग में जा रहा हूँ, सीबीसी के मेरे यहाँ पर बढ़िया ऑप्शन भी यही रहेंगे। तो बस अभी आ जाते हैं भैया यहाँ पर की बैटल्स में, ठीक सुना भाई की बैटल्स में आए तो यही थ्री जो की बैटल्स है यही वॉच आउट के लिए रहेंगे। पहले की बैटल जो है मेरे, मैं मानता हूँ कि विराट कोहली ने बढ़िया बैट्समैन मतलब बढ़िया बैट्समैन है और इस सीजन बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं विराट कोहली का विकेट सामी कहीं ना कहीं झटक सकता है क्योंकि भैया ये भी बढ़िया बॉलर है, पेसर्स को मदद है, तो भैया विराट के ऊपर हावी हो सकता है। यहाँ पर जो है विराट को मदद भी मिल सकता है क्योंकि भैया यहाँ पर जो है बैटिंग में मदद है, इस ये पिच बोल रहे हैं, पर मोहम्मद शमी भैया ये भी पर्पल कैप होल्डर है, किसी के कम नहीं है। अब याद रहते हैं दूसरे की बैटल में तो भैया यहाँ पर सुमन गिल वर्सेस सिराज भैया, ये भी की बैटल देखने के बाद होगा भैया, सुमन गिल अगर लगा देते हैं मिडिल ऑफ द बैट से यहाँ पर शॉट्स जाते हैं तो भाई सिराज को दिक्कत है, अगर मिडिल ऑफ द बैट से विकेट नहीं जाते थोड़ा बहुत फंसते हैं तो गिल को दिक्कत है। ये जो की बैटल है ना भैया बहुत देखने वाला बात होगा। तीसरे नंबर पर आए तो भैया फाफ डुप्लेसिस वर्सेस राशिद खान भैया, स्पिन के विरुद्ध बढ़िया खेलते हैं फाफ, मगर फंसाने में भैया राशिद यहाँ पर माहिर है, तो भैया ये जो थ्री की बैटल्स है ये देखने वाला बात रहेगी। तो गाइस मेन जो स्टैट्स है इसमें आप लोग जरूर से नजर बनाए रखें भैया, पिच के बाद में आए तो भैया पिच जो बोलता है यहाँ पर बैटिंग पिच है भैया, लिख दीजिए बैटिंग पिच है। तो भैया यहाँ पर विराट कोहली फाफ डुप्लेसिस जैसे बैट्समैन यहाँ पर हेल्प मिलेगा, सुमन गिल को हेल्प मिलेगा, हार्दिक पांड्या को हेल्प मिलेगा, डेविड मिलर को हेल्प मिलेगा क्योंकि वेस्ट स्पिनर काम नहीं आता, तो डेविड मिलर का भी बोर्ड वाला रह सकता है, नोट कर लीजिए। अभी आता है स्टेडियम स्टैट्स में, स्टेडियम बताता है कि भैया यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है ना भैया फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर बताता है 200 का, मतलब पहले से ही 200 बता दिया, अब मैच जब होगा ना 200 का अवब मुझे लगता है होगा। यहाँ पर बोले तो आरसीबी यहाँ पर है उनके सामने और जीटी भी है, तो भैया दोनों में बैटिंग डेप्थ है। अभी बोले तो भैया
आरसीबी का पगड़ा भी भारी रह सकते क्योंकि भैया एमचिना सोम स्टेडियम में होने वाला है, मतलब भैया तगड़ा यहाँ पर स्टेडियम है, रन बनते हैं, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। अभी आ जाते हैं ड्रीम टीम में। ड्रीम टीम इंपोर्टेंट रहते हैं भैया, विराट कोहली रह चुके 5 में से 4 बार, फाफ डु प्लेसिस रह चुके 5 में से 5 बार ही, यहाँ पर मोहम्मद सामिया 5 में से 4 बार, राशिद खान 5 में से 4 बार, हार्दिक पांड्या 5 में से 4 बार ही रह चुके हैं। अभी आते हैं मेन फैंटेसी 11 में, मेन फैंटेसी टीम में प्रॉफिट वाइज टीम आप लोग देते हैं। तो कैसे आप लोग मेन टीम में आ जाते हैं भैया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सोचेगा, समझेगा, लॉजिक समझेगा। अभी आते हैं भैया विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में आए तो भैया मैंने यहाँ पर रिद्धिमान शाह को रखा हूँ क्योंकि भैया दिनेश कार्तिक उतना ज्यादा इस सीजन में चले नहीं है, मगर यहाँ पर रिद्धिमान शाह को ही रखूंगा क्योंकि भैया एक विकेट कीपर तो रखना ही पड़ेगा, वो तो भैया आवश्यक है ही है। तो भैया कहने के मैंने रिद्धिमान शाह को रखा हूँ यहाँ पर। अगर मैंने देखा कि भैया स्विंग है पिच में, मैं पहले पिच देखूंगा। मेन चैनल आप लोगों जो फाइनल टीम आप लोगों टेलीग्राम में मिलेगा, वहां पर भैया प्रोविड टीम मिलता है, जाके ज्वाइन हो जाइए। अगर ज्वाइन नहीं है तो भैया जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर फाइनल टीम आप लोगों मिलता है। विकेट कीपर फिलहाल के लिए रिद्धिमान में रख रहा हूँ भैया। अगर मैंने देखा भैया पिच बढ़िया है तो भैया कहने के मैं दिनेश कार्तिक में भी जा सकता हूँ। भैया बैटिंग में, बैटिंग सेक्शन में तो भैया सुमन गिल ऑलमोस्ट मेरे रहेंगे रहेंगे, विराट कोहली तो भैया ऑलमोस्ट मेरे बनते हैं। फाफ डु प्लेसिस में भी जाऊंगा क्योंकि भैया सीबीसी के बढ़िया ऑप्शन भी यही है। और भैया आए तो भैया मिलर में, भैया डेविड मिलर के अभी फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। अगर साई सुदर्शन खेलते हैं तो मैं उनमें भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम में फाइनल टीम मिलेगा, याद रखिएगा। ऑलराउंडर में आए तो भैया ऑलराउंडर में पहला ऑलराउंडर ये तो भैया आवश्यक है भैया, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल बढ़िया बल्ला इनका चला है कई मैचेस में। अभी आए तो भाई हार्दिक पांड्या, हार्दिक को भी रखूं भैया, हार्दिक पांड्या 5 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, ये तो भैया ऑलमोस्ट मेरे टीम में रहेंगे ही रहेंगे। तीसरे नंबर पे बोले तो ब्रेसवेल को मैं इन पे जा सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, स्पिनिंग पिच ये है नहीं, मगर भैया ये बल्लेबाजी करने ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं इन्हें रख सकता हूं, इन्हें ट्राई कर सकता हूं। अभी आए तो भैया बॉलिंग में 3 बॉलर्स के साथ में जा रहा हूं। पहले है मेरे मोहम्मद सिराज भैया, मोहम्मद सिराज ने बढ़िया बॉलिंग किया इस सीजन, ये रहेंगे रहेंगे। दूसरे नंबर पर राशिद खान भैया पर्पल कैप में दूसरे नंबर पे है। अगर आए तो भाई यहाँ पर मोहम्मद सामी, ये दोनों ही भाई विकेट टेकर हैं, यही मेरा टीम है, प्रोफिट वाइज टीम है। तो अगर लास्ट स्टेप में आ जाते भैया सीवीसी के ऑप्शंस में, ये अलग करके आप लोगों अभी से बता रहे हैं। अभी मैंने कैप्टन रखा है उस टीम के लिए, मेन टीम के लिए भैया सी मैंने रखा है, मतलब कैप्टन रखा है भाई फाफ डु प्लेसिस के साथ। अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ इस टीम के ऊपर, वाइस कैप्टन में रखूंगा भैया यहाँ पर हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या को मैं यहाँ पर रखूंगा। अब आप लोगों के ऑप्शन में आए तो भैया ये दोनों रख सकते हैं, या भैया कैप्टनसी का ऑप्शन है, विराट कोहली बढ़िया ऑप्शन है, इनको जा सकते हैं। भैया हार्दिक पांडे में आप लोग बीसी ना जाके सीबी जा सकते हैं, मतलब कैप्टेंसी का ऑप्शन में इनको चुन सकते हैं, या भैया सुमन गिल भी बढ़िया ऑप्शन होता है क्योंकि भाई बैटिंग पिच है। वाइस कैप्टन के ऑप्शन में आए तो भैया मोहम्मद शमी बढ़िया होते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं भाई पेसर्स को मदद है। दूसरे नंबर पर भैया ग्लेन मैक्सवेल भी बनते हैं यहाँ पर, अगर जल्दी विकेट गिर गया तो भैया मैक्सवेल ना बढ़िया तरीके से पारी अपना पूरा कर सकते हैं एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के, इनके आंकड़े जो बता रहे हैं, जो बोल वाला कर रहे हैं भैया यहाँ पर मैक्सवेल बढ़िया चल सकते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग ऑल स्टेट्स के साथ टीम पर रोज टीम कैसे लगा ऑलरेडी आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो आप लोग थोड़ा बहुत देखिए तो फटाक से लाइक कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया नीचे के चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतने मतलब और एक इंटरेस्टिंग वीडियो।